नमस्कार, एग्री कमोडिटी वीकली अपडेट में आपका स्वागत है। पिछला हफ्ता एग्री कमोडिटी के लिए काफी मिला जुला रहा। एक तरफ हमने देखा कैस्टर, मसाले और गवार कॉम्प्लेक्स में जबरदस्त गिरावट थी, वहीं दूसरी ओर मेंथा कॉटन कॉम्प्लेक्स में हमने अच्छी खासी रिकवरी भी बनते हुए देखी। सबसे पहले कैस्टर की बात करें तो दायरा जो रहा वो 7320 से लेकर 7000 का रहा। हमने देखा इससे पहले वाले हफ्ते में 7500 तक का भी लेवल प्राइजेस ने छूते हुए दिखा। बर्जी जंग से चाइना में लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है, कहीं ना कहीं कैस्टर ऑयल की जो डिमांड है या एक्सपोर्ट है वो नेगेटिव रह सकती है, जिसके चलते प्राइजेस में जबरदस्त गिरावट आती हुई दिखाई दी। स्विंग भी इस बार बढ़ती हुई दिखाई दे रही, जिसकी वजह से प्राइजेस में प्रेशर जरूर है। बट टेक्निकली अगर हम देखें, जब तक प्राइजेस 7000 के नीचे वीकली क्लोज नहीं करता है, दायरा 7000 से 7600 का रहेगा। अगले महीने से गिरावट बढ़ सकती है, बट टाइमिंग मार्केट दायरे में रहेगी। तो ऑलरेडी ये हफ्ते में 7000 का लेवल छू चुका है मार्केट, कहीं ना कहीं रिकवरी के चलते हमने 7200 का लेवल रिगेन करता हुआ दिखाई दिया। अगले हफ्ते भी काउंटर स्ट्रांग रह सकता है, जो 7350 से 360 का पहला लेवल दिखा सकता है। वहीं मसालों की बात करें तो हमने पहले ही आगाह किया था कि पूरे मसाले पैक के अंदर डिमांड कंसर्न बनते हुए दिखाई देगी। हमने हल्दी के अंदर अच्छी स्विंग या सेल ऑफ सीड की वजह से 3.5% की गिरावट आती हुई दिखी है। वहीं जीरे के अंदर भी हमने देखा कि चाइना मार्केट लॉकडाउन के चलते चाइनीज डिमांड में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसके चलते 4% की गिरावट थी। धनिया सरप्राइजली काफी अच्छी गिरावट दिखाता हुआ दिखाई दिया। हमने पहले भी कहा था कि जीरे में, धनिया में जो तेजी है अप्रैल और मई ये दो महीनों में मार्केट एक करेक्ट ले सकता है, और हमने देखा एकाएक प्राइजेस 7% का बड़ा एक ड्रॉप लेता हुआ दिखाई दिया। आउटलुक लॉन्ग टर्म के लिए मसाला अच्छा है, बट अगले 15-20 दिन तक और मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रहेगा, जहाँ पे हम उम्मीद करते हैं करीबन 10,400-10,500 के लेवल पे धनिया एक अट्रैक्टिव बाय बैट बन जाता है। वहीं अगर हम जीरे की बात करें तो 20,000 से 20,200 का रेंज काफी सेफ रहेगा एंट्री करने के लिए। हल्दी में हम 7800 तक पकड़ के चलते हैं लेवल, लेकिन जिस ढंग से शानदार रिकवरी देकर 8200 तक का लेवल दिखाया है, हमें लगता है 78 के एवरेज से अगर कोई बाइंग रखता है तो एक अच्छी तेजी बन सकती है, क्योंकि धीरे धीरे एक्सपोर्ट डिमांड अच्छे बनते हुए दिखाई देगी। गवार सीड गवार गम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने 4-5% की गिरावट आते हुए देखी। कैस्केडिंग इफेक्ट था जो सभी कमोडिटीज के अंदर आता हुआ दिखाई दिया, जिसका असर गवार सीड गवार गम पे भी पड़ता हुआ दिखाई दिया। यूएस की रिग काउंट्स हमने पिछले 3 महीनों से कंटिन्यू बढ़ते हुए देखी है, जिसके चलते गवार सीड गवार गम दोनों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। एक टेक्निकल फॉलआउट जरूर हुआ है, जहां पे हमें लगता है कि 5800 तक का सपोर्ट गवार सीड में और 11200 तक का सपोर्ट गवार गम में रहेगा। 20-25 तारीख तक मार्केट रेंज में रहेंगे, जिसके बाद हमें लगता है स्विंग में ड्रॉप, एक्सपोर्ट डिमांड, रुपए में गिरावट, ये सभी फैक्टर दोनों काउंटर को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। बट अगला हफ्ता मार्केट एक रेंज में रहेगा, पोजीशंस कम बना के काम कीजिए। मेंथा ऑयल के अंदर हमने देखा स्विंग के ड्रॉप के चलते प्राइजेस में एक अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। 0.5% की तेजी के साथ मार्केट 1090 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 1100 का लेवल तोड़ने पे हम 1140 तक का भी लेवल देख पाएंगे। काउंटर के अंदर वीकली बेस पे शॉर्ट कवरिंग होता हुआ दिखाई दिया। अंत में अगर हम कॉटन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे 2% की तेजी कॉटन में, 4.5% की कॉटन सीड ऑयल केक में और कपास में 2% की तेजी देखी है। टेक्सास में ड्रॉट कंडीशन के चलते कॉटन को सपोर्ट मिला हुआ है। इंटरनेशनल में 155 सेंट दिखाने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, बट कहीं ना कहीं काउंटर 140 सेंट के ऊपर पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में अगर गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेती है तो प्राइजेस में थोड़ा पुल बैक दिखा सकता है, बट कहीं ना कहीं 40,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्राइजेस में बन चुका है। शॉर्ट कवरिंग के चलते अगला हफ्ता भी पॉजिटिव रहेगा, तो एक पुल बैक अगर 44,500 तक का लेवल मिलता है वहां पे बाइंग करके चलिए, 48,000 का टारगेट रहेगा कॉटन में। कॉटन सीड ऑयल केक में हमने पहले भी कहा था लॉन्ग टर्म व्यू तो पॉजिटिव है, बट क्वालिटी इशू के चलते डिमांड में ड्रॉप था, जिसके चलते हमने 2770 तक का भी लेवल लगते हुए देखा। कहीं ना कहीं 2820 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है मार्केट में, बट ध्यान रखें नई तेजी के लिए 3020 का लेवल तोड़ के होल्ड करना जरूरी है, जब जाकर हम 3200 का लेवल फिर से देख पाए। बट ये लेवल पे शॉर्ट करना सजेस्टेबल नहीं है, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए। कपास के अंदर भी आउटलुक पॉजिटिव रहेगा, जहाँ पे हम 1800 तक का लेवल कपास अप्रैल वायदे में देख पाएंगे। तो ध्यान रखिए पूरे कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के ट्रेड करना चाहिए।